करना है तो आगे और डिविजिबल किसी से नहीं होगा। जैसे मैं कहूंगा ये 2/3, ये बेटा 1 के अलावा और किसी नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, इसीलिए उस चीज को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, लोएस्ट फॉर्म। क्लियर है? तो आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा 20 बार क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेनी है, क्या लेनी है, इन दोनों का एचसीएफ हो रहा है मेरा 5, कितना हो रहा है 5, उस 5 को डिवाइड करना है ऊपर नीचे, क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है ऊपर और नीचे, डिवाइड करने पर हमारा कितना आंसर आ रहा है 5/9। एचसीएफ कैसे तो निकालना सबको आता है, यस सर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 45 जो 5 से डिविजिबल हो जाता है, 5 5 4 25 5 9 45, ये जो मेरा रहा वो मेरा हो गया एचसीएफ 5। एलसीएम के लिए लेना होता फिर इधर से मुझे और लेना पड़ता, आगे क्लास में आपको और पढ़ना है, उसमें आपको ध्यान देना। ऐसे देखो 40/80, इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में बनानी है, तो 40/80 को क्या करोगे ना, पहले एचसीएफ निकाल देना, पता है 40 के टेबल में 80 आता है तो एचसीएफ डायरेक्ट 40 भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 और 10 में एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, 2 और 4 में एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 के मल्टीप्ली में 4 आता है, 2 2 2 2 4, तो जब सबसे छोटा होगा वही लेते हैं, ठीक है। लेकिन और 2 और 3 के एचसीएफ में 3 नहीं होगा या 2 होगा, वो आपका 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 किससे नहीं कटता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे आप क्या फाइंड आउट करेंगे ना, एचसीएफ आप निकालेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे ना, दोनों तरफ से आपको डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? अदरवाइज अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है, आप देखो 40/80, 41 जाओ 40, 42 जाओ 80, डायरेक्ट आप काट दो, आपका हो जाएगा 1/2। ऐसे 27/36 एचसीएफ निकाल दो, 9 आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको डिवाइड करनी है, तो आपका 3/4, ठीक है, क्योंकि 9 3 27 9 4 36, या दूसरी मतलब से कर सकते हो, पहले 3 से काटा 9 3 से काटा 12 3 से काटा 3 3 से काटा 4, तो उसका आंसर आया आपका 3/4। क्लियर हो गया? अगर मान लो मैं एक नंबर दे रहा हूँ लोएस्ट रूम के लिए, अगर मैं दे दूंगा 12/60, कितनी है 60, और आपको पता नहीं चल रहा है क्या ये 12 पे टेबल में 60 आता है, क्या आता है, कितने में आता है 5, तो आपका 12 बन जाए 12 करोगे और 12 बन जाए कितना हो गया बेटा, तो आपका बच्चों में क्या आ गया 1/5। आप जबकि छोटे बच्चे हो तो इसे आप एचसीएफ करके उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में होंगे डायरेक्ट आप कट करके कर सकते हो, अभी तो छोटे छोटे कर रहे हो, अगर बड़े बड़े होगा तो आप बच जाओगे। इसीलिए दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 120/140, अब आप क्या करेंगे, कैसे लॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो जीरो है और यहाँ पे जीरो क्या करेंगे बेटा, कट कर देंगे, ठीक है, बीच में नहीं, लास्ट में जीरो होता है वही कटता है, अगर बीच में जीरो है तो नहीं काटना है। अब आप कितना बचा 12 2 6 2 7 7 किसी कॉमन फैक्टर से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 6/7। अदरवाइज आप एचसीएफ लेते तो 20 होता, ऊपर भी 20 डिवाइड करते नीचे 20 डिवाइड करते तो भी आपका आंसर आता 6/7। सभी क्लियर हो गए? किस प्रकार हम सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे, किस प्रकार हम किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है?